कोर्ट को बंद कर, कोर्ट पर ताला लगा देना चाहिए। अब जिस तरह की लचर व्यवस्था में कानून की, संविधान को मानते हैं? संविधान को क्या हमारे देश नेता मानने देते हैं? तभी तो मैं कह रही हूँ आपके माध्यम से, वाई के चंद्रचूर साहब से कह रही हूँ कि कानून को ऐसा बिल पास करो विद इन 3 मंथ सजा निर्धारित हो, नहीं तो अपराधियों को आम जनता के बीच डाल दो, हम अपना न्याय खुद करेंगे। अगर कानून का इतना भयानक खौफ हो कि कानून का मतलब अमराज, कोई भी अपराधी अपराध करते समय 100,000 बार रूह कांप जाए कि अपराध नहीं करना, अपराध कोई भी हो, जब तक अपराध पुलिस तंत्र के द्वारा, नेताओं के द्वारा पाला पोषा बड़ा नहीं किया जाता है, जब तक किसी की औकात नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली, हमारे देश का नाम क्या है, भारत माता कहते हैं हम लोग, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश समाज की रक्षा करने के लिए होता है, भक्षक नहीं होता है। तुरंत उनको ब्रिजभूषण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और इनका FIR लॉन्च करके ब्रिजभूषण सिंह को यहीं से घसीटते हुए लाना चाहिए और अंदर डाल देना चाहिए। कमेटी तो बनाई गई थी और कमेटी में क्लीन चिट मिला। कमेटी किसकी थी, कमेटी गठन क्यों किया था, टैक्स किसका जाता है, जनता का जाता है, कमेटी गठन क्यों आना बताती है, कानून का खौफ होना चाहिए भाई। सबसे पहले आपके माध्यम से इस देश को बताना चाहूंगी, आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हो, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये देश को विभाजित दे रही हैं, इनके चुनाव सिंबल बिक रहे हैं, चुनाव सिंबल ही लड़ते हैं, चुनाव सिंबल ही जीत जाते हैं। जो आप और हम काम करते हैं वो कोई नहीं लड़ता है। तो लिहाजा जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये देशद्रोही हैं, ये खंड खंड करके अखंड भारत की कल्पना करती हैं। तभी इन महिलाओं की ये हालत है, जिनको पूरा विदेश जानता है, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से इनका चेहरा है, जब इनके लिए इनको खौफ नहीं है अपने सांसदों को, सांसद कम अपराधियों को, तो आम महिलाओं की क्या, बच्चियों की क्या हालत होगी, ये आप लोग अपने मन से कल्पना करके देख लीजिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की है, वैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? कम से कम ब्रिजभूषण के ऊपर अगर वैसी कार्रवाई हो जाए फिर तो जनता फूल बरसाएगी। और मैं इस पर एक इतफाक भी, एक क्वेश्चन मार्क भी कर रही हूँ, अमित शाह जी आपसे पूछ रही हूँ, जब प्रियंका रेड्डी का सूट एट साइट किया था, हम ही ने आवाज़ सर्कुलेट करवाई थी पूरे इंडिया में, जब आवाज़ सर्कुलेट हो रही थी सूट एट साइट, उन पुलिस वालों ने सूट एट साइट कर दिया, जनता बहुत खुश हो गई थी। उन पुलिस वालों को आपने उम्र कैद देखे कि फांसी सजा सुनाई है, उनको बैंगलोर जेल में डाल दिया, उनको छोड़ दीजिए वरना हम वहाँ भी पहुँचेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, पहले सूटेड साइट अच्छी बात है ना, हालांकि बलात्कारियों को सूटेड साइट नहीं होता, बलात्कारी के रूप में एक चेहरा आया था, सूटेड साइट हो गया था, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी बैंगलोर की जो थी, तो उनके पुलिस वालों जब भी सबने वाहवाही की, तो जब एक अच्छा काम कोई करता है तो उसको इनिशिएट करो ना, आपने फूल की वर्षा करवाई, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया, क्यों भाई जेल में डाल दिया, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था कि गलती से ही सूटेड साइट हुआ तो गलती से ही, लेकिन जनता की मांग पे हुआ, जनता से आप चुने जाते हो, आपके सारे फरमान लीगल होते हैं और हमारी मांगे लीगल नहीं होती, इलीगल हो जाती है, क्यों भाई, लोकतंत्र है ना, राजतंत्र नहीं है। मैम कोर्ट है, एडवोकेट है, वकील है, इनकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो फिर तो डायरेक्ट अपराधी को पकड़ेंगे, शूटिंग साइड। बिल्कुल तालिबान फरमान होना चाहिए, अब बहुत थक गए हैं। तालिबान में महिलाओं की हालत देख रहे हैं आप? मैं तालिबान फरमान की बात कर रही हूँ, फरमान की तो बात मैं भी कर रहा हूँ ना, महिलाओं की हालत देख रही है तालिबान में किस तरीके की है, महिलाओं की हालत जो भी हो, तालिबान फरमान का मतलब हमारा एक मोटा मोटा है कि जब अपराधी हो वहीं पर काट दो उनको। मैम लोकतंत्र नहीं है ना, कोर्ट को बंद कर, संविधान है, कोर्ट को बंद, कोर्ट पर ताला लगा देना चाहिए। अब जिस तरह की लचर व्यवस्था ना कानून की, संविधान को मानते हैं? संविधान को क्या हमारे देश नेता मानने देते हैं? संविधान कोर्ट में 40-45 साल तक अपराधी आराम से पलते हैं जेल में, 5-star सुविधाओं में, जनता का पैसा होता है, जनता का सिलेंडर 1200 रुपए का होता है, लेकिन अपराधी पलते हैं 5-star सुविधाओं में। ये हालत कोर्ट की, कचहरी की और कानून के अपने। अगर कानून का इतना भयानक खौफ हो कि कानून का मतलब अमराज, कोई भी अपराधी अपराध करते समय 100,000 बार रूह कांप जाए कि अपराध नहीं करना, अपराध कोई भी हो, जब तक अपराध पुलिस तंत्र के द्वारा, नेताओं के द्वारा पाला पोषा बड़ा नहीं किया जाता है, जब तक किसी की औकात नहीं है। इनडायरेक्टली आपसे आजादी छीन ले जाए, आपको घर से ही ना निकलने दिया, क्यों, किस वजह से? तो आप बोल रहे हैं खौफ हो जाएगा, अपराधियों को इतना खौफ कानून का होना चाहिए, आम जनता क्यों होना चाहिए, आम जनता तो ताली बजाएगी, कानून का खौफ अपराधियों को होना चाहिए, चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो किडनैपर हो, चाहे वो बलात्कारी हो, कोई भी अपराध जब पनपता है, जब कानून लचर होता है, कानून ढीला होता है, कानून को कौन 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 इम्प्लीमेंट करता है? कानून है, कानून चलाने वाले कमजोर, कानून चलाने वाले, देखिए विधायिका और न्यायपालिका को अलग कर दीजिए, तब तो कानून अपना काम ठीक से कर पाएगी, वरना नेताजी कहते हैं वो जरा देख लीजिएगा हमारे बच्चे की गाड़ी से मर्डर हो गया है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? सही है, अति हमेशा बुरा होता है, तो अति बुरा हुआ तो उन्होंने अति किया, तो उन्होंने भी अति कर दिया, अति मत करो। और पहली बात मैं फिर कह रही हूँ, कानून का खौफ होना चाहिए, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी व्यक्तिगत इंसान का खौफ नहीं होना चाहिए।
अब कहाँ मानती है? तो यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है, तभी तो मैं कह रही हूँ आपके माध्यम से, वाईके चंद्रचूर साहब से कह रही हूँ कि कानून को ऐसा बिल पास करो विद इन 3 मंथ सजा निर्धारित हो, नहीं तो अपराधियों को आम जनता के बीच डाल दो, हम अपना न्याय खुद करेंगे। अगर आप न्यायपालिका कह दे, न्यायपालिका ये कह दे कि भाई हाथ खड़े कर रहे हैं ये नेताओं से, हम बिके हुए हैं, हम कानून में न्याय नहीं दे सकते। अंकिता नेगी का क्या उसकी बॉडी चीख चीख के नहीं कर रही थी कि बलात्कार हुआ जलाया गया, और उसके बाद उनके बलात्कारी को जो फांसी की सजा 2014 में दे दी गई थी उनको छोड़ दिया गया 2022 में, मैंने रिव्यू पटिशन डाली और रिव्यू पटिशन मेरी कहाँ है मुझे पता नहीं है। अंकिता नेगी, सॉरी किरण ने, किरण नेगी जो छावला का वो था प्रकरण, तो शर्म आनी चाहिए। हम उस देश में रह रहे हैं, उस लोकतंत्र की, ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की व्यवस्था है, हम वहाँ रह रहे हैं जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के समर्थन समर्थक दल बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल की माला पहनाते हैं, इसे शर्म से, इससे ज़्यादा शर्म का विषय कोई हो ही नहीं सकता कि सरकार के खिलाफ में अब इस तानाशाही के खिलाफ में अब आम जनता को सामने आ जाना चाहिए, वरना भारत हमारा खत्म हो जाएगा। भारत की आत्मा को ये नेता अपने जूतों के तले रख रहे हैं। पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, उस टाइम में सतपाल मलिक ही वहाँ के गवर्नर थे, तुरंत ही तुरंत उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? सतपाल मलिक साहब ने अपने नैतिक इस्तीफा वो भी देते ना, नैतिक इस्तीफा दे के वो सड़क पे आ जाते, हम समझते फिर अब ये क्या नाटक है। अब उनकी आत्मा जागी है तो आत्मा तुरंत जाग देना चाहिए। फिर ऐसे क्या होता है ना, आम जनता में भ्रम फैलता है कि पता नहीं पोषित है या बिक गए हैं या इनकी आवाज खरीदी जा चुकी है, पता नहीं, हम आम लोग हैं, हमारी आत्मा तुरंत जागी, हम तुरंत आए ना यहाँ पे, तो आत्मा तुरंत क्यों नहीं जागी? फिर तो कुर्सी पे आ रही थी सतपाल मलिक साहब को, अब आत्मा उनकी जाग गई है, तो इसमें भी मेरा प्रश्न है, या तब आत्मा मर गई थी, अब आत्मा कैसे जाग गई है? लेकिन वो तो पुलवामा हमले के बाद ही उन्होंने मोदी जी को नैतिक इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? बोला था, आपका मन जगा था, उस कुर्सी को क्यों छोड़ चपके रहे? क्यों खामोश करा दिया गया? हेलो, मुझे खामोश करा दे, मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोकसभा की वहाँ की हूँ, उन्हीं के 20 किलोमीटर मेरा गांव है, मुझे खामोश कर सकते हैं वो? मैं कह रही हूँ वो अपराधी नहीं, बलात्कारी नहीं, जाने कितनी बच्चियों का बलात्कार उसने किया होगा, यौन शोषण किया होगा, अगर ये सर्वे कराया जाए गोंडा में कैसरगंज क्षेत्र में, तो ब्रिजभूषण ना कि महिलाओं का ही, जाने कितनों को पीड़ित किया होगा उसने, हम तो नहीं खामोश हुए। जिसके पास सबूत या गवाह नहीं हो क्या वो उसको न्याय नहीं मिलेगा? ये सबूत गवाह छोड़ेंगे इतने अपराधी? भुक्तभोगी समाज है, जैसे ये एक संगठन गठित किया गया ना, क्या एक एक, एक चार आदमियों की जो पार्टी गठित की गई, क्या होता है वो, एक जो चार लोगों की एक समिति गठित की गई, एक प्राइवेट समिति बिना नाम बताए ब्रिजभूषण शरण सिंह की सर्वे करा लीजिए, सारे सबूत भी मिल जाएंगे, गवाह भी मिल जाएंगे, कितना बड़ा बलात्कारी है वो, कितना बड़ा अपराधी है वो, कितना बड़ा माफिया, कितना बड़ा वो बाहुबली है। थैंक यू।